हेलो एवरीवन, वेलकम यू अगेन। स्वागत है आप सभी लोगों का। एक बार फिर से हम जीपीएससी का सिलेबस एनालिसिस करने वाले हैं, बट यहाँ पे जो सिलेबस एनालिसिस करेंगे वो केवल नॉन टेक्निकल पोर्शन का करेंगे। और जिस तरीके से आप लोगों के कंटिन्यूसली मुझे मैसेज मिल रहे हैं, तो मुझे याद आ रहा है कि जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल ये स्टार्ट किया था, आरटीओ के वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट सबसे पहले डाला था और उसके बाद मैंने टेक्निकल पढ़ाना शुरू किया था, तो आपके कंटिन्यूस हमें मैसेज आते थे कि सर आप टेक्निकल ना पढ़ाओ, आप हमें मोटर व्हीकल एक्ट एंड रूल पढ़ाओ, क्योंकि टेक्निकल तो हम खुद पढ़ लेंगे, तो मोटर व्हीकल एक्ट एंड रूल में हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और हम पढ़ भी रहे हैं तो भी समझ में नहीं आ रहा, तो एक काम करो आप एक्ट एंड रूल पढ़ाओ। फिर हमने एक्ट एंड रूल की जर्नी शुरू किया और आज मतलब सुन के खुशी होती है कि आपके जब मैसेज आते हैं कि हमें पहले लगता था कि एक्ट एंड रूल में हमारे मार्क्स नहीं आएंगे, बट आज एक्ट एंड रूल में हमारे टेक्निकल से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। जो परसेंटेज है वो एक्ट एंड रूल में ज़्यादा है, 75 मार्क्स में 67 मार्क्स लेके आ रहे हो आप एक्ट एंड रूल में। खैर, तो उसी तरीके से सिमिलरली आजकल मुझे मैसेज रिसीव हो रहा है कि टेक्निकल का तो ठीक है, आप बताओ कि नॉन टेक्निकल कैसे करें, कहाँ से करें, कौन सा पोर्शन पढ़ें, कौन सा नहीं पढ़ें, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आपके नॉन टेक्निकल सिलेबस का। और बिलीव मी, मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि आपके एग्ज़ाम आते आते आपको ऐसा लगेगा कि आप नॉन टेक्निकल में टेक्निकल से ज़्यादा स्कोर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड का। क्या अभी जो नॉन टेक्निकल का पोर्शन है वो नया इंट्रोड्यूस हुआ है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे पहले जो भी असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट होती थी उसमें नॉन टेक्निकल का जो पोर्शन होता था एकदम सेम होता था। और इससे पहले मैंने आरटीओ की बात किया, आरटीओ में तो हमने जब मोटर व्हीकल रूल स्टार्ट किया, एक्ट स्टार्ट किया, तो वहाँ पे हमारे पास कोई रिसर्च की एरिया नहीं थी कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। बट यहाँ पे तो हमारे पास एक वाइड रिसर्च एरिया है, हमें पता है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, कितने पूछे जाते हैं, सारी चीज़ हमारे पास है। जैसे कि मैं बताऊँ आपको, मैकेनिकल के लिए अभी जो GWSSB या फिर GMB गुजरात मेरीटाइम बोर्ड या फिर गांधीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या नर्मदा, हालांकि इन ये तीन जो वैकेंसी हैं ये अभी एक्टिव हैं, ये वैकेंसी एक्टिव नहीं है, ये 2018-19 में इसका एडवर्टीजमेंट आया था, उस टाइम पे जो सिलेबस था वो एग्जैक्टली सेम, नॉन टेक्निकल का जो सिलेबस है वो एग्जैक्टली सेम है। जो सिविल में एग्जाम होते हैं ये भी सिविल में भी ये वैकेंसी सारी एक्टिव हैं अभी, GWSSB की, GMB की, GMC की, और इनका एक एग्जाम होता है नर्मदा का। देखिए एक कंफ्यूज नहीं होना है, इनका दो एग्जाम होता है, एक होता है गुजरात इंजीनियरिंग सर्विस क्लास 1-2, वो भी वहाँ पे भी नर्मदा वाटर सप्लाई वाला ही लिखा होता है डिपार्टमेंट, बट वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। उसका जो नॉन टेक का पोर्शन है वो आपका जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का नॉन टेक्निकल का पोर्शन है, या जो फिर CSC या फिर पुलिस इंस्पेक्टर का जो नॉन टेक्निकल का पोर्शन है, मतलब जो भी नॉन टेक्निकल का पोर्शन है क्लास 2 के ऊपर वाला, वो उसका नॉन टेक्निकल का पोर्शन है। यहाँ पे जो क्लास 2 के नॉन टेक्निकल का पोर्शन है वो सिमिलर है, चाहे वो मैकेनिकल हो, आपका सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, या फिर दूसरे जो नॉन टेक्निकल एग्जाम होते हैं क्लास 2 का, अराउंड टू अराउंड अगर उनमें नॉन टेक्निकल का पोर्शन है तो एग्जैक्टली यही नॉन टेक्निकल का पोर्शन वहाँ पे है। ये सारी चीज़ें आपको बताने का बस इतना सा मतलब है कि आपको जितने भी ऐसे एग्जाम्स हैं जहाँ पे नॉन टेक्निकल का सेम सिलेबस है, वो सारे एग्जाम्स के पेपर रिव्यू करने हैं, देखने हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टैटिक्स होते हैं, तो आपको वो क्वेश्चंस या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि वो स्टैटिक्स हैं तो चेंज तो होने वाले हैं नहीं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे सिलेबस में। हालांकि बुक तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया है, बट यहाँ पे भी मैं बता दूंगा आपको कौन सी बुक पढ़नी है, वही चीज़ है, वही स्लाइड में दिखा दूंगा आपको। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी आपके जो दोस्त मित्र हैं उनके साथ शेयर करते रहिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना मज़ा आएगा पढ़ने में। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए, जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसकी PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप यहाँ पे अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सारे प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow. अब शुरू में थोड़ा समय आपको जो एग्जाम का पैटर्न हो वो दिखा देता हूँ, हालांकि आप सभी को एग्जाम का पैटर्न पता है। आज हम बात करने वाले हैं इस 100 मार्क्स का, जो आपका जनरल स्टडी से कोरिलेट करता है, इसका सिलेबस डिटेल में आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। बाकी जो आपके रिस्पेक्टिव ब्रांच का टेक्निकल का जो पोर्शन है वो तो डेफिनेटली आपको अपने हिसाब से करना है, मैकेनिकल का काफी कुछ आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। चलिए, नॉन टेक्निकल का जो पहला पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है, दैट इज ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आपको फिजिकल परस्पेक्टिव, उसका इकोनॉमिकल परस्पेक्टिव, सोशल परस्पेक्टिव, नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या हैं,
ये सारी चीजें पढ़नी है। ये बेसिकली उन्होंने पर्सपेक्टिव बताया है कि आपको जियोग्राफी किस पर्सपेक्टिव के हिसाब से पढ़ना है। और यहाँ पे एक चीज और मेंशन किया गया है कि इसको आपको गुजरात के रेफरेंस में ज्यादा ध्यान देना है। हालांकि जब आप पेपर रिव्यू करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मेंशन तो कर दिया है कि गुजरात के रेफरेंस में पढ़ना है, बट क्वेश्चंस वो रैंडमली डाल देते हैं कहीं का भी। हाँ, ये जरूर लगता है क्वेश्चन पेपर पढ़ के कि वो कोशिश करते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन ज्योग्राफी का रिसेंट फिगर है और गुजरात से बनता है तो वो जरूर डालते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है कल्चरल हेरिटेज, ये भी आपका लिटरेचर आपको पता है इसमें क्या आर्ट, गाना, डांस, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, मतलब जो भी कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो पूछी जाती हैं आपसे। और यहाँ पे भी आपको गुजरात के रेफरेंस में चीज़ें पढ़नी है और यहाँ पे ज़्यादा आपको फोकस करना है गुजरात के रेफरेंस में चीज़ों का। और ये जो पॉइंट्स है पहला और दूसरा और इवन दो तीसरा जो पॉइंट है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ गुजरात, ये जो तीनों पॉइंट हैं यहाँ पे ज़्यादा चांसेज होता है कि आपसे स्टैटिक जीके पूछा जाए। स्टैटिक जीके मतलब वो जीके जो मतलब सदियों से चला आ रहा है, इससे पहले मैंने कई बार आप लोगों को बताया है। तो यहाँ पे एक चांसेस कम होता है कि करंट अफेयर्स रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस है। अगर कोई चेंजेज आए हैं रिसेंट, मान लो किसी डांस को रिकॉग्नाइज किया गया है, किसी को टैग दिया गया है, किसी बुक कोई बुक किसी राइटर की पब्लिश हुई है या इस टाइप की कोई चीज़ें हुई हैं तो वो जरूर पूछ लेंगे। बट बाकी जो चीज़ें होती हैं वो स्टैटिक्स ही रहती हैं, पहले से जो चली आ रही हैं वही पूछी जाती हैं। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे जो 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं बहुत आसानी से आप ग्रैब कर सकते हो। आज मैंने टोटल 30 to 35 पेपर रिव्यू किया हुआ है, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, Class 1, Class 2, Class 3, बहुत सारे पेपर मैंने प्रीवियस ईयर से रिव्यू किया है। और मैंने देखा है कि जो GPSC बहुत ज़्यादा फोकस करती है इकोनॉमिकल एक्टिविटी पे, आपके हर पेपर में 4 to 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मिलते ही हैं। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये जनरली होते हैं आपके करंट अफेयर्स रिलेटेड। सपोज कर लीजिए कि गुजरात गवर्नमेंट ने या फिर इंडियन गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाया है, कोई इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स किया है या फिर कोई इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इंडेक्स आया है, तो वो सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं यहाँ पे। मतलब बहुत आसानी से यहाँ पे आप 4 to 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, थोड़ा सा ध्यान देके या इससे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। मतलब ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि इतने क्वेश्चंस आपको इकोनॉमिक से रिलेटेड रहेंगे ही रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस होते हैं स्टैटिक डाटा पे बेसिक, कई बार जैसे इन्फ्लेशन पूछ लिया है, GDP से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, बट जनरली क्या होता है करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे रहते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे बहुत कैटेगराइज करके एक एक चीज़ें मेंशन किया गया है, तो आई होप सो कि यहाँ पे 10 to 12 क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है। और आपको लास्ट में एक क्वेश्चंस भी दूंगा, पॉलिटी से रिलेटेड ही है, उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग उस क्वेश्चन को सही करोगे। तो पहला चीज़ आपको प्रेम्बल पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पावर ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, ये सारे पॉइंट्स 1 by 1 करके दिए गए हैं, तो इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई करंट अफेयर का स्कोप नहीं होता है अगर कोई अमेंडमेंट नहीं आया है तो, और वो भी अमेंडमेंट ऐसा नहीं कि कोई भी एरू गैरू अमेंडमेंट आ गया तो आपसे पूछ लिया जाएगा, अगर कोई मेजर अमेंडमेंट है तो इंक्लूड कर लेंगे वो, किस आर्टिकल में अमेंडमेंट हुआ है, किस परस्पेक्टिव में हुआ है, किस फील्ड का हुआ है, इस टाइप की चीज़ें पूछी जाती हैं। बट जनरली यहाँ पे स्टैटिक्स क्वेश्चंस रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको वरीड नहीं होना है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लिया तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस के 7 to 8 क्वेश्चंस के आसानी से आप जवाब दे पाओगे आपके पेपर में। यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें मेंशन है, नीति आयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार तो आपको इसको पढ़ना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करती है, तो चांसेस भी होते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। कोई भी रिकमेंडेशन हो, कोई कमेटी बनी हो, उनका कोई रिकमेंडेशन आया हो, पंचायती राज, फाइनेंस कमीशन, एंड जो 30th पॉइंट है आपका, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टेचुटरी बॉडी। मुझे पता है कि आप लोगों ने NGT पढ़ा है, तो वहाँ पे हमने कई बार डिस्कस किया हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, स्टेचुटरी बॉडी क्या होती है, कई सारे लोगों ने डिबेट भी किया था, तो खैर ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी। काफ़ी सारे पॉइंट हैं, देखिए ये पॉइंट 5 है, जनरल बात करें तो इससे पहले हमने पॉइंट 4 तक डिस्कस किया था, ये पॉइंट नंबर 5 है, और पॉइंट नंबर 5 में इंडिविजुअली इन्होंने 13 पॉइंट्स मेंशन किए हैं। आई डोंट नो कि जो GPSC है आपको क्यों लॉयर बनाना चाहते हैं, मतलब सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन कर दिया कि आपको पढ़ना है, आना चाहिए। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है जनरल मेंटल एबिलिटी, ये क्वेश्चन तो एज ए इंजीनियर एक भी क्वेश्चन इससे छूटना नहीं चाहिए, मतलब अगर इंजीनियर को ये क्वेश्चन नहीं आएंगे तो फिर किसे आएंगे, आना ही चाहिए आप लोगों को, और मैं भी बीच बीच में करते रहेंगे।
बाकी जो जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं, इन्वायरमेंटल अफेयर, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आप लोगों को चैनल पे मिल जाएगा उससे रिलेटेड। जो जनरल साइंस है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने कल भी बताया था कि 5 to 7 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और बाकी जो डेली इवेंट्स हैं, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल, मैंने कहा कि डेली इवेंट से रिलेटेड दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक तो आपका करंट अफेयर जो है उससे डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाएगा, या फिर उससे लिंक क्वेश्चन स्टैटिक से बना लेते हैं वो, और काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है इसका, अराउंड 20-25% क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन शॉर्ट ये सारी चीज़ें हैं, मेरा जो प्लानिंग है ये सिलेबस करने का, जिस हिसाब से आप लोग कह रहे हो, आप अगर अपनी प्लानिंग बता सकते हो, आपको लगता है कुछ और चेंज करना चाहिए तो डेफिनेटली मैं करूँगा। देखिए ये जो पॉइंट फोर है, पॉइंट फोर से लेके आपका जो पॉइंट 7-8 है नेक्स्ट में, 6-7-8, ये सारे पॉइंट मैं 1 by 1 करके कंप्लीट करने वाला हूँ। बाकी जो ये पॉइंट्स हैं आपके स्टैटिक, जहाँ से स्टैटिक जीके पूछे जाते हैं, इनके इन पे हम एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े टॉपिक्स होते हैं, अगर इनको आप एकदम थॉरली पढ़ना चाहोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, पढ़ नहीं पाओगे। और चूंकि यहाँ पे स्टैटिक्स क्वेश्चंस होते हैं तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उससे रिलेटेड या वही क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेज होते हैं, या सेम टू सेम रिपीट नहीं होंगे तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि एमसीक्यू फॉर्मेट में इसको करें, पॉइंट 1, 2 and 3 को, और बाकी जो पॉइंट 4 है 5 है आपका और 0.678 है, इनको हम रेगुलरली करते रहेंगे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी। और वीकली हम लोग टेस्ट भी अरेंज करेंगे, मैं ऐसे कुछ सोच रहा हूँ कि ऑड प्लस इवन करके हम लोग टेस्ट करेंगे, आपके जो इवेंट डेज होंगे या ऑड, किसी एक दिन सेलेक्ट कर लेंगे कि नॉन टेक्निकल का टेस्ट होगा और किसी एक दिन टेक्निकल का टेस्ट होगा। अगर हमको लगता है कि नॉन टेक्निकल पे ज़्यादा टाइम देने की जरूरत है तो हम बीच बीच में जो टेक्निकल का टेस्ट होगा उसको थोड़ा सा पोस्टपोन करके नॉन टेक्निकल का कर लिया करेंगे, ताकि आपके ऊपर एक प्रेशर रहे, एक बर्डन रहे कि आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। और उम्मीद है कि आप लोगों ने टेक्निकल तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, और यहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा आपके जितने टेक्निकल में मार्क्स आते हैं उससे कहीं ज़्यादा परसेंटेज में यहाँ पे मार्क्स आप स्कोर करो। जो चीज़ें आपको लग रहा है आज की आपको नहीं आती हैं, आपने नहीं पढ़ा है, कुछ टाइम बाद आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें आपको आती हैं, इससे जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप कर लोगे। बाकी ऑलरेडी मैंने आपको बुक्स बता दिया है कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, ये इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बता दिया था। और यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको पढ़ना भी है, अटॉर्नी जनरल के बारे में आपके सिलेबस में मेंशन है, तो ये क्वेश्चन भी आपको अटॉर्नी जनरल के बारे में है, इसको रीड करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, पता तो चले कि बेसिक कितना आपका है, क्योंकि बेसिक आपका यहाँ पे क्लियर होगा तो इस क्वेश्चन को आप सही से आंसर कर पाओगे। सर्च करके देख के आंसर नहीं करना है आपको, जो आता है उसी नॉलेज के बेसिस पे इसका आंसर करना है। चलिए दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।